आईफोन का हॉटस्पॉट एंड्रॉयड में कनेक्ट कैसे करें। जी दोस्तों, अगर आपके पास एक आईफोन है और आप आईफोन यूज़र हो और आपका कोई दोस्त या फिर फैमिली मेंबर एंड्रॉयड यूज़र है और वो बोलता है कि आप अपना आईफोन का हॉटस्पॉट और मोबाइल डाटा ऑन करके मेरे को वाईफाई दो, ठीक है, यानी कि आप जो है अपने जो आईफोन रहेगा उसका मोबाइल डाटा ऑन करोगे, हॉटस्पॉट को ऑन करोगे और हॉटस्पॉट को आप जो है उनको दोगे जिसने आपसे मंगा है, ठीक है ना, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में हॉटस्पॉट कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेलेक्ट कर लें, इससे क्या होगा हमारे और भी नए आईफोन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आईफोन में हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है और अपना जो हॉटस्पॉट का नाम या फिर वाईफाई का आपका नाम क्या है वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको जो है पहले तो अपना मोबाइल डाटा है उसको ऑन कर लेना है। यहाँ से ऑन कर लीजिए मोबाइल डाटा, या आप चाहें तो यहाँ से भी मोबाइल डाटा को ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एक जगह जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हॉटस्पॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पहले तो हॉटस्पॉट यहाँ पे ऑन कर दीजिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑन करें और हॉटस्पॉट ऑन करें और ये वाला जो सेटिंग है उस पर आप आ जाइए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आप आएंगे आपको यहाँ पे नीचे में एक चीज़ दिखाई देगा, क्या लिखा वो दिखाई देगा पहले नंबर पे ही। यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा, ये देखिए आईफोन XR, तो हमारे जो डिवाइस है उसका हॉटस्पॉट नेम या फिर वाईफाई नेम यहाँ पे आईफोन XR है या फिर जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पे देख लेना है और इसी को आपको एंड्रॉयड फ़ोन के वाईफाई पे जाके नाम को चेक करना है, ये शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है, और इसी को ही आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई का, ठीक है, जो कि हमारे आईफोन का नाम है, और इसका जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर दिखेगा वाईफाई पासवर्ड करके जो हमने सेट करके रखा है दोस्तों, ये आप देख सकते हो और इसको आप चेक कर सकते हो। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, एक वाईफाई का नाम और यहाँ पे पासवर्ड। और जब आपका जो आईफोन है उसका मोबाइल डाटा और हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है तो क्या है आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप सर्च करेंगे नाम को तो वहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे कि हमारे आईफोन का जो नाम है हॉटस्पॉट ऑन करने के टाइम वो है दोस्तों आईफोन XR, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाके चेक करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन आपका जो है दोस्तों आपको पता होगा कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, रेडमी ये सब फ़ोन आते हैं। तो आपके पास जो भी फ़ोन हो आपको जो है ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर से इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से वाईफाई को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नाम को चेक करना है। आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो आईफोन है उसका हॉटस्पॉट और मोबाइल डाटा आपने ऑन कर दिया है और जल्दी से आप कनेक्ट नहीं करते हैं दूसरे किसी भी डिवाइस में, तो यहाँ पे आईफोन क्या करता है ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट को बंद कर देता है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है करके। तो आप जैसे ही हॉटस्पॉट चालू करें, मोबाइल डाटा चालू करें, यहाँ पर जल्दी से आप सर्च करें कि आपका वाईफाई नेम बता रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन किया था ना, तो हॉटस्पॉट यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद हो गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कनेक्शन जल्दी नहीं किया है। तो वापस से इसको मैं चालू कर देता हूँ और ये देखिए मैं इसको चालू करके रखा हुआ हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से जल्दी से मैं उसको कनेक्शन करने के लिए नाम को देखता हूँ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस तरीके से एक बार वाईफाई को यहाँ पर हम चालू करेंगे दोबारा से बंद करके और यहाँ पे देखिए बहुत सारा नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी जो है रिसेंट में कनेक्ट है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो अवेलेबल नेटवर्क है जो कि आईफोन XR लिखा हुआ, इस पर हम क्लिक कर देंगे और पासवर्ड यहाँ से डालेंगे। तो पासवर्ड दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और यहाँ पर सेव कर देंगे और जैसे यहाँ पर हम कनेक्टिंग करेंगे ये देखिए कनेक्ट हो जाएगा हमारा एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। ये देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे जब कनेक्शन हो जाएगा आपके आईफोन पे भी बता दिया जाएगा कि वन डिवाइस कनेक्टेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रीज़न से यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड बता रहा है तो हम यहाँ पे दोबारा से एक बार चेक करते हैं। पासवर्ड तो हमने सही डाला है, एक बार हम पासवर्ड यहाँ पे याद कर लेते हैं, गलत तो नहीं डाला है क्या हमने।
तो यहाँ पे हम सेटिंग ऐप कर देंगे ओपन और हॉटस्पॉट वाले ऑप्शन चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही हमने जो है दोस्तों पासवर्ड तो सही डाला है, पता नहीं किस वजह से यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड हो गया है। तो मैं एक बार बैक कर दूंगा और यहाँ से एक बार फिर से इसको हॉटस्पॉट को चेक करूँगा। तो ये हॉटस्पॉट चालू है, एक बार बंद कर देता हूँ और दोबारा से चालू कर दूँगा आईफोन का मोबाइल डाटा और हॉटस्पॉट। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आईफोन का जो नाम है वो दिखा रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। चलिए दोस्तों पासवर्ड को यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे पासवर्ड चेक करेंगे, हो सकता है हमने शुरुआत में गलत पासवर्ड डाल दिया हो, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। ये देखिए, और ये देखिए कनेक्टिंग हो चुका है हमारा एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारे आईफोन पर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वन डिवाइस कनेक्टेड। ये देखिए वन कनेक्शन करके बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हॉटस्पॉट पर्सनल हॉटस्पॉट लिखा हुआ है उसके नीचे में, और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप चेक करेंगे तो दिख जाएगा वापस से। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन का जो हॉटस्पॉट है उसको जो है एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन हो जाए आप यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन में इंटरनेट डाटा इस्तेमाल कर सकते हो ये वाले आईफोन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में वाईफाई जो है कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।